तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 800 वॉट का एम्पलीफायर। मैंने आपको इसके साउंड टेस्टिंग भी करके दिखाई थी। तो यही सेम टू सेम बोर्ड मैंने 500 वॉट का बनाया है, आप देख सकते हैं। इस पे तो मैंने 10 मॉस्फेट लगाए, 5 5200, 5 1943 के ट्रांजिस्टर लगाए हुए, और इसमें ग्लोबल नेटवर्क भी मैंने ऐड कर लिया है। सब कंप्लीट किया मैंने बोर्ड, और इसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सब गाइस, मैं हूँ सुशांत, मैं निक्रम मॉडल इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। तो मैंने जो भी आपको बोर्ड दिखाई है, तो सबसे पहले 800 वॉट का एम्पलीफायर बोर्ड है, आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। और ये मैंने दूसरा बोर्ड बनाया 500 वॉट का, इस पे कंपोनेंट मास्किंग भी सब है, आप देख सकते हैं। ये मैंने कल ही रात को बैठ के मैंने बोर्ड बनाया। चाहे तो आप ये ट्रांजिस्टर आप नीचे की साइड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने नीचे के साइड नहीं लगाया, क्योंकि हीट सिंक इसके ऊपर भी टच हो सकती है और परफेक्ट साइज में तो नहीं आएंगे हीट सिंक। तो मैंने एल्यूमिनियम का एंगल लाया था हीट सिंक के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हीट सिंक मिलना बहुत प्रॉब्लम होता है। चाहे तो आप इस तरीके से भी, अगर आपको इसकी गेज बढ़ानी है हीट सिंक के, तो आपको फ्री बिट की मदद से आपको हीट सिंक ऐसी इसकी गेज बढ़ानी पड़ेगी, कुछ इस तरीके के लगेगी हीट सिंक, तो आपकी इसकी गेज बढ़ जाएंगी और हीटिंग भी अच्छी तरीके से करेंगी, आप देख सकते हैं। तो इसकी तो गेज तो नॉर्मली है, तो इसकी भी हीट सिंक एक ही है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए आप, इसको तो मैं थिन एयर से साफ तो नहीं किया है, मैंने इसको चेक भी किया है, साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, कि बूस्टर एम्पलीफायर का जैसा काम करता है। और ये पुश पुल ड्राइव 1500 वॉट्स, चाहे तो आप इसमें और 10 ट्रांजिस्टर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 800 वॉट में मैंने बनाया है। ड्राइवर सेक्शन तो सेम है, अब देख सकते हैं इसमें कंपोनेंट मास्किंग भी है, और ये मॉडिफाइड डिजाइन है, आप देख सकते हैं। और इसकी साउंड टेस्टिंग की वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ। और इसके रजिस्टर तो लो क्वालिटी के हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया है, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होते। और यहाँ पे सेम कैपेसिटर मैंने लगाया है, 160 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स, और यहाँ पे डबल नेटवर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस लगती है, तो मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट के रेजिस्टेंस 10 ओम्स की लगाई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्लोबल नेटवर्क का मैंने फंक्शन पिछली वीडियो में मैंने भी बताया था, ग्लोबल नेटवर्क क्या काम करता है और किस तरीके का काम करता है, इसमें क्या क्या लगता है कंपोनेंट। तो ये 5H की कॉइल है, इसमें इसमें रेजिस्टेंस पैरेलली में ऐड किया रहता है, ये इम्पीडेंस कंट्रोल करता है स्पीकर का, और ये फीडबैक सप्लाई डिस्चार्ज करता है। ये जो दो सेक्शन है, ग्लोबल नेटवर्क का सेक्शन है और ये पावर स्टेज, इसमें आप आउटपुट ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते, क्योंकि आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए सेपरेट ड्राइवर सेक्शन बोर्ड आता है। तो ये मेरे पास ऑर्डर आया था, तो मैंने बोर्ड बनाया था इसके लिए। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की रेजिस्टेंस है, 47 ओम्स, तो यहाँ पे भी सेम है। तो इसकी साउंड टेस्टिंग की वीडियो और 4 दिन में आने वाली है, आप वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लाते रहूँगा, एक थोड़ा तो टाइम लगेगा न्यू न्यू वीडियो आने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बेस्ट ट्रिबल से इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद इसकी साउंड टेस्टिंग विद बेस्ट ट्रिबल के साथ आने वाली है, आप वीडियो ज़रूर देखिए।
अगर आपको ये बोर्ड परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट करके बोर्ड मंगवा सकते हैं। अगर आपके बिना मॉस्फेट के चाहिए तो आपको ये भी मिलेगा, ड्राइव सेक्शन रहेगा और 5 वोल्ट की रेजिस्टेंस और डबल नेटवर्क के साथ मिलेंगी बिना मॉस्फेट की। तो इसकी मैंने प्राइस रखी थी 3,800 रुपीज़, 800 वाट्स की, बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो मैंने आपको साउंड टेस्टिंग भी इसकी भी करके दिखाई थी और इसकी मैंने प्राइस रखी है 3,000 रुपीज़ और 450 रुपीज़ और 450 रुपीज़ शिपिंग चार्ज रहेगा और 4 दिन में आपको बोर्ड मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए। सो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।